सो गाइज वेलकम बैक हो चुका है आप सभी लोगों का आज की एक अमेजिंग न्यू वीडियो में। और गाइज आज फाइनली हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। सो जैसा कि आज तुम सभी लोगों को याद हुआ कि लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने ये प्यार सा अपना एक विलेज ढूंढ लिया था और इसके अंदर हम लोग अभी शिफ्ट हो चुके हैं। और तुम लोगों को ये भी याद हुआ कि हमने अपना पूरा डायमंड का आर्मर और टूल्स भी बना लिए थे। सो आज की इस वाली वीडियो में ना गाइज हम लोग जाने वाले हैं नेदर को एक्सप्लोर करने, देखते हैं कि नेदर के अंदर हम लोगों को क्या मिलता है। लेकिन गाइज नेदर में जाने से पहले ना हम लोग अपनी माइन पे थोड़ा काम करने वाले हैं। जो तुम देख रहे हो ना, जो पिछली एपिसोड में हम लोगों ने माइन बनाई थी उस पे मैं थोड़ा काम करने वाला हूं। और रुको, इधर से मेरे को एक क्राफ्टिंग टेबल भी लेकर जानी। आई थिंक इसके अंदर मैंने दो क्राफ्टिंग टेबल रखी हुई थी और नहीं, वो मेरे ख्याल मैंने उधर ही रखी हुई। तो चलो उधर ही चलते हैं, मेरे पास वैसे वोर्ड भी एक और बना लेंगे उधर जाके। और मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि अब हम लोग इस माइन के अंदर क्या काम करने वाले हैं। सो अभी मैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल से पॉलिश डीप स्लेट बना रहा था, लेकिन मुझे अभी याद आया कि हमारे विलेज के अंदर एक स्टोन कटर भी, अगर तुम लोगों को याद हुआ कि लास्ट एपिसोड के अंदर मैं एक घर के अंदर गया था, उधर वो कहीं पर घर है, तो उस घर के अंदर ना एक स्टोन कटर था। और आई थिंक स्टोन कटर में देख रहे हो तुम लोग, एक कोबल स्टोन से एक डीप स्लेट ब्रिक्स बन रही है यहाँ पे, और वहाँ पे शायद क्राफ्टिंग टेबल में चार से एक बनती है, इसलिए भाई स्टोन कटर काम की चीज है। तो देखो अभी मैं यहाँ से ना सारे अपने डीप स्लेट के ब्रिक्स बनाने वाला हूँ। और आई थिंक इसकी स्टेयर्स भी बनती है। हाँ तो इसकी स्टेयर्स भी बनती है, तो एक स्टेक ना हम लोग इसकी स्टेयर्स भी बनाने वाले हैं। बल्कि पहले ना मैं सारे को ना अपने डीप स्लेट ब्रिक्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ और जितने भी हो सकते हैं ना ब्रिक्स बनाता हूँ। सो देखो अभी मैंने इतनी स्टेयर्स और इतनी ना पॉलिश डीप स्लेट्स बनाने हैं, डीप स्लेट्स ब्रिक्स और ये इनकी स्टेयर्स मैंने बना ली। अब मैंने क्यों बनाई है ना, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। हम लोग, तुम्हें पता होगा, जब भी माइन में जाते हैं ऊपर नीचे थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। जब हम लोग ये यानी यहाँ पे स्टेयर्स लगा देंगे और आसपास जब ब्रिक्स लगाए ना, तुम लोग फिर इसकी लुक देखना क्या ही आने वाली है। सो देखो सबसे पहले ना हम लोग यूं लगाने वाले हैं, तुम लोग देख सकते हो यहाँ से अभी से ही भाई इसकी लुक कुछ ज़्यादा ही तगड़ी आने वाली है। और पहले मुझे ये भी तोड़ना पड़ेगा, ऊपर से एक एक हम लोगों को ब्लॉक्स भी तोड़ के जाने पड़ेंगे। और यूं लगाते हुए ना आप मुझे नीचे तक जाना है। और तुम लोग देख सकते हो गाइस कि जो हमारी माइन है ना यार, ये काफ़ी ज़्यादा नीचे पूरे मतलब बेडरॉक तक ही है ये माइन हमारी, और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। इसी तरह मैं यहाँ से अपनी सारी स्टेयर्स लगाने वाला हूँ। मेरे को 5 मिनट देना, मैं जल्दी से स्टेयर्स लगा के तुमसे मिलता हूँ। अरे भाई तुम लोग देख सकते हो, अभी हमें फिर से डायमंड मिल चुके हैं। मैं तो अपनी स्टेयर लगा रहा था और मैंने थोड़ी यहाँ पे गलत बना दी थी अपनी माइन, मतलब एक ब्लॉक नीचे बना दी थी ज़्यादा, और ये माइनिंग करते हैं हमें डायमंड में यहाँ पे फिर से मिल गया। और यहाँ पे एक नहीं था भाई, इधर और भी हैं यार, क्या ही मतलब यहाँ पे किस्मत चल रही है। यहाँ ये जो जगह है ना, कसम से बहुत तगड़ी जगह है। यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा डायमंड्स मिल रहे हैं, तुम लोग देख सकते हो 3 डायमंड हमें और मिल चुके हैं यहाँ से, नाइस। और यार मुझे लग रहा था हमारी जो स्टेयर्स होंगी ना वो काफ़ी होंगी, और तुम लोग देख सकते हो ऑलरेडी 3 स्टैक्स यहाँ पे लग चुके हैं और अभी तक हम बेडरॉक लेवल तक नहीं पहुँचे हैं। और ये सिर्फ मुझे नीचे नहीं है, मतलब इस साइड में भी यूँ करके ऊपर की तरफ भी लगानी, तो मतलब हम लोगों को और डीप स्लेट माइन करना पड़ेगा। सो फाइनली गाइस हम लोग अपनी पूरी माइन में तो पहुँच गए, और मतलब यार ये -58 में थी जब भी यहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट 3 स्टैक तुम लोग देख सकते हो स्टेयर्स लग गई थी डीप स्लेट की, और अभी तो ये एक साइड हुई है। और भाई इन स्टेयर्स के लगने के बाद तुम लोग अभी स्पीड देखो, हम लोग कितनी तेज ऊपर जा सकते हैं। और अभी उतरते हुए मैं तुम लोगों को दिखाता हूं, थोड़ा सारा अभी इसमें अटक रहा है, इस साइड भी हम लोग एक तोड़ के ऊपर जब स्टेयर लगा देंगे तो सर नहीं लगेगा, और उसके बाद इसी स्पीड से हम लोग नीचे भी उतर सकते हैं। तो यही मकसद था बस, ऊपर तेज आने का और नीचे तेज जाने का, और थोड़ी सी हमारी माइन खूबसूरत भी अब लग रही है। और यहां से देखो मैंने थोड़ी माइन भी गलत बनाई हुई है, तो उसको भी फिक्स करना है। और भाई मेरे पास ना थोड़े मतलब ब्रिक्स भी कम पड़ रही हैं, अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर से लगाते हुए आते हैं। और अगर ब्रिक्स कम पड़ गए तो यार नीचे डीप स्लेट है, वहीं से माइन करके वहीं से लगा देंगे। और मैं एक काम करता हूँ ना, जो स्टोन कटर था ना उसको भी उठा के इधर ही ले आता हूँ, ताकि हम लोगों को बार बार उस घर में ना जाना पड़े। तो चलो मैं स्टोन कटर भी अपना लेकर आ चुका हूँ, उसको रख देते हैं यहाँ पे। और ये देखो हमारी माइन से मेहमान पहले ही आ गया, और आग भी लगा दी इसने एक तो। यार ये तुम, हमने एक तो नीचे ना टॉर्चेस नहीं लगाई, अगर हम अभी जाते हुए ना हम लोग टॉर्चेस भी लगा देंगे, ताकि गंदे लोग यहाँ पे स्पॉन
ना हो। चलो मैंने स्टोन कटर भी यहीं पे रख दिया और मेरे पास जितने भी बचे हुए हैं ना, मतलब ये ब्रिक्स बचे हैं यार, इसको मैं इनका नाम भूल जाता हूँ, डीप स्लेट ब्रिक्स हैं यहाँ। और भाई रात हो रही तो यहाँ पे क्या कर रही नूबड़ा, अबे घर जा सो जा। अबे अच्छा मैं इसका वो उठा के ले आऊँ ना यहाँ पे, ये चीज़ तभी ये यहाँ पे आ गया है यार। अभी देख रात हो रही, जाके घर सो जा, तू सुबह के काम कर लियो ना। हाँ जा अभी जा घर जा, रात हो रही है अभी अभी तू जा। भाई ये नहीं मानने वाला है बेचारा यार, मेरी वजह से मर जाएगा। मैं एक तो उसका जॉब ब्लॉक उठा के यहाँ पे ले आया, तो भाई ये उठ के यहाँ पे आ गया और इसने वर्क करना स्टार्ट भी कर दिया है। तो चलो इसको छोड़ दें, वैसे भी हमारे किसी काम का नहीं। और मैं यहाँ से अभी 3 स्टेक हमारे पास फिर से हो चुकी हैं और आई थिंक 3 स्टेक ही हम लोगों को लगनी है नीचे तक जाने के लिए। तो अब लगाना है यहाँ से, मतलब अपना काम शुरू करते हैं। तो चलो बस अब हम लोगों को इसी तरीके से स्टेयर्स लगानी। और ये देखो इस तरह ये गलत लग जाती ना भाई, फिर बड़ा गुस्सा आता है। हम लोगों को इस तरीके से लगानी और ये देखना कि हमारा इसमें सर ना भिड़े। सो यस ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, तुम लोग देख सकते हो। अगर हम लोग यहाँ से नीचे जा रहे हैं तो बिल्कुल भी सर में नहीं लग रही यहाँ से स्टेयर्स। तो चलो बस इसी तरह हम लोगों को अब ये नीचे तक लगानी है। भाई साहब ये क्या हो रहा है यार आज, तुम लोग देख सकते हो मैं भी यहाँ पे स्टेयर लगा रहा हूँ, हम लोगों को फिर से डायमंड मिल गए। अबे भाई ये जगह जो है ना यार, सही में बहुत ज्यादा लकी जगह है यार, मतलब हर जगह पे डायमंड है यहाँ पे, हर एक चंक के अंदर काफी ज्यादा डायमंड मिल रहे हैं। और तुम लोग देख सकते हो हर जगह पे काफी ज्यादा डायमंड है, ये नहीं कि एक ही डायमंड मिल रहा है। भाई साहब यहाँ से कितने मिले हमारे पास, 3 थे, 9 हो चुके हैं भाई, 5 मिले यहाँ से, 5 नहीं 6 सॉरी। मतलब भाई जब ऐसे फ्री के डायमंड्स मिलते हैं ना माइनक्राफ्ट के अंदर, बहुत ज्यादा खुशी होती है। और तुम लोग देख सकते हो कि हम लोग अपनी एंड में पहुंच चुके हैं और मेरे पास अभी 39 बची हुई हैं। और अब मेरे को लग रहा है हमारे पास जो कमी पड़ने वाली है वो पड़ने वाली है डीप स्लेट ब्रेक्स की। पता है क्यों, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो ये जो सारी जगह है ना, ये सारी जगह पे लगने वाले हैं डीप स्लेट ब्रिक्स। और यार लिटरली ये लगने के बाद तुम लोग लुक देख रहे हो हमारी माइन की क्या लग रही है। और अब ये हम लोगों को पता है कहाँ का लगाने, तुम लोग देख रहे हो सारे ब्लॉक जहाँ जहाँ हम लोगों को ये नजर आ रहे हैं, हम लोगों को इन सारी जगहों पे लगाने डीप स्लेट ब्रिक्स। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट करें इन सबको यहाँ पे लगाते हैं। ऑल राइट तुम लोग देख सकते हो अभी यहाँ पे कितनी ज्यादा नीचे तक पड़ी है हमारी माइन, लेकिन जो हमारे ब्रिक्स थे डीप स्लेट के वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं, तुम लोग देख सकते हो। और यार ये लगने के बाद तुम लोग लुक देख रहे हो, मतलब काफी ज्यादा तगड़ी आ रही है। लेकिन हाँ यार मेरे को बस यही थोड़ा सा लग रहा है कि अगर ये 1-2 ऊपर होती ना मतलब ब्लॉक्स तो ज्यादा तगड़ी लगती, लेकिन हाँ ऐसे भी ठीक है। और यार तुम लोग देखो जब यहाँ पे टॉर्चेस लग जाएंगे, वैसे भी मैं टॉर्चेस भी बना के लाने वाला हूँ, और यार ये मतलब क्या ही लगेगी यार इसकी लुक। तो चलो गाइस यार डीप स्लेट ये तो अच्छा है हमारी माइन के अंदर, ये तो जल्दी से मैं यहाँ से काफी सारा डीप स्लेट माइन करता हूँ और देन मैं तुम लोगों को मिलता हूँ। सो फाइनली यार तुम लोग देख सकते हो काफी ज्यादा मैं डीप स्लेट लेकर आ चुका हूँ माइनिंग से। और तुम लोग देख सकते हो यार मेरी डायमंड पिकैक्स की ड्यूरेबिलिटी कितनी ज्यादा कम हो चुकी है। खैर ये तो हम लोग नहीं बना सकते अभी, अपने यहाँ से ना बनाने वाले और डीप स्लेट ब्रिक्स। वैसे मैं सोच रहा हूँ डीप स्लेट टायर्स भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने डीप स्लेट ब्रिक्स लगा दिए तो यही वाले लगाते हैं और आई थिंक यही सबसे ज्यादा बेटर भी लग रहे हैं। अरे भाई इसको देखो, मैं यहाँ पे अभी लगाने आया था और ये चुपके बैठा हुआ है। इसको मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे पैक कर देता हूँ, किसी को पता ही नहीं चलेगा। इसने क्या देख लिया क्या मुझे? अबे मुझे लगा पीछे आ गया क्रीपर, भाई इसने डरा दिया गंदी नस्ल ने भाई, एकदम से ना जंप स्केयर आया लिटरली। मैं उसको देख रहा था, एकदम से इसने पीछे से आके अटैक करा। अरे नहीं ओपे भाई ये क्या हो रहा है नीचे से, तुम लोग देख सकते हो और भी ज़ॉम्बी आ रहे हैं। और ये टाइमिंग पे अगर ब्लॉक ना लगता ना वो फट जाता, सही में फट जाता, मेरी सारी स्टेयर वगैरह भी टूट जाती यहाँ से। भाई साहब क्या ब्लॉक लगाया मैंने। सो फाइनली गाइस पूरे के पूरे 1 घंटे 25 मिनट मतलब 1.5 घंटा ऑलमोस्ट लग गया हमारी इस प्यारी सी माइन को बनाने के लिए। और यार ये क्या ही अब इसका लुक तुम लोग देख सकते हो, तुम लोगों को खुद बताओ तुम लोगों को ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग एक प्रोफेशनल बंकर के अंदर जा रहे हैं? मतलब यार ये जो डीप स्लेट ब्रिक्स थे ना इनमें कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया लगाने में, लेकिन यही सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत इसमें लग रहे हैं तुम लोग देख सकते हो ये स्टेयर्स डीप स्लेट ब्रिक्स की। और ये डीप स्लेट ब्रिक्स मतलब यार क्या ही प्यारे लग रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा यार बड़ी मायने, मतलब इतना ज़्यादा इसमें टाइम लग गया ना जितना मैंने सोचा नहीं था, मतलब फिर भी यार ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है बनने के बाद, ये काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है। तुम लोग देख सकते हो इतनी हमारी मायने, यहाँ तक मैंने इसको मतलब कंप्लीट करा और आगे तो हमारी माइन शुरू हो रही है। तुम लोग यार कमेंट्स में बताना कि तुम लोगों को ये वाली जो हमारा मतलब माइन या इसको बंक कर गया, तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताना ये कैसी लग रही है। और तुम लोग ऊपर जाने की स्पीड देख रहे हो, हम लोग कितनी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं भाई साहब। तो चलो गाइस अभी मैं यहाँ से अपना सारा सामान कलेक्ट करता हूँ और ना यहाँ से रुको मेरे को ना फेंसेस भी बनाने थे,
यहाँ पे ना ताकि कोई अंदर जा ना सके, यहाँ से थोड़े से मैं फेंस भी बना लेता हूँ एंड परफेक्ट। सो ये मैं चीज करना चाहता हूँ यहाँ पे। अब तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे कोई अंदर भी नहीं जा सकता और हम लोग इजिली अब भी अंदर जा सकते हैं। और ये यार ये लग के ना मतलब इसकी लुक तो अलग ही आ रही है कुछ। जैसे मैंने यहाँ पे टॉर्चेस लगाई यहाँ पे बारिश स्टार्ट हुई। यार मेरे वर्ल्ड में पत्नी क्यों इतनी बारिश होती मुझे अभी तक समझ नहीं आई। क्या तुम लोगों को भी वर्ल्ड में इतनी बारिश होती मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। फिलहाल अभी हम लोग पता क्या करने वाले, अभी हम लोग जाने वाले हैं नेदर में। लेकिन यार मैंने अभी तक ना बट ये क्या चीज है यहाँ पे, हेलो ये मैंने नहीं बनाया, मैंने तो अब तक ऑब्सिडियन तोड़े ही नहीं। मैं तुम लोगों को अभी यही बोल रहा था ले हमें एक लावा पूल ढूंढना पड़ेगा जिससे हम लोग ऑब्सिडियन तोड़ सकें। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। ओबे भाई ये क्या हो रहा है, एकदम से ये कैसे आ गए यहाँ पे, अभी तो कोई भी नहीं था। हेलो भाई मेरे कसम से रोंगटे खड़े हो गए और मुझे अब थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि ये चीज मैंने यहाँ पे नहीं बनाई। तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा बैट है, यहाँ पे ये देखो तुम लोग मेरा बैठे और अभी मेरे को सोना नहीं है। रुको मेरे को चीज चेक करनी है, ये बनाया किसने। ओए तेरे को पता है किसने बनाया है भाई, ये भी डरा हुआ है। ऊपर भाई यहाँ पे बिजली भी कड़क रही है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तैयार हो जाओ वो आ रहा है। भाई कौन आ रहा है, हेलो कौन आ रहा है, कौन रख के गया भाई यहाँ, ये क्या चीज है भाई, पूरा आर्मर विद टूल्स वो भी नेदरराइट। भाई मैं नहीं उठाने वाला ये, इसमें कुछ होगा भाई मैं नहीं उठाने वाला। भाई तुम लोग देख सकते हो फुल नेदरराइट आर्मर सारे शार्पनेस, भाई क्या टूल्स हैं यहाँ पे। देखो यार मेरे को अब समझ नहीं आ रही मेरे को इनका क्या करना चाहिए, पेन लेनी चाहिए या नहीं, क्या करें यार इनका। और अहम सवाल तो ये यहाँ पे रख के कौन गया है।